भाजी वगैरह ने सबने चॉइस किया, इसको बंटी को तो कोई ने चॉइस ही नहीं किया ना। काम वाला आदमी होना, रेगुलर आदमी होना जो काम करे, जैसा पुनेकर जी ने किया, 10 साल रहा, इनके समाज वालों ने इनको खुद से खड़ा किया। जबान इतनी गंदी इस्तेमाल कर रहे, इतनी गंदी इस्तेमाल कर रहे मुसलमानों के बारे में, ये सब सबसे मेन मुद्दा ये चाहिए। बस काम करने वाला बंदा अच्छा हो, ईमानदारी से अपना काम कर सके, बस ऐसा बंदा मिलना चाहिए। बाकी हम पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई भी पार्टी है, ईमानदारी से काम होना। हमारे हिसाब से तो बंटी सिंह का कोई वो नहीं है, वजूद ही नहीं है। उसने कोई कर पहले काम किया ना, अब किया, आता है चमकाता है चले जाता है, समझे क्या? मौसम ही मेंढक है, आया आया नहीं आया। तो बहुत सारे लोग है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखता है नहीं, कोई काम नहीं हमारे यहाँ, कुछ नहीं, सिर्फ लावारिस जैसे वार्ड को सब कुछ हो रही है। हाँ, अच्छा बंटी जी का तो ये इलाका है नहीं, वो काफी दूर पर रहते हैं, मुलाकात नहीं है इस टाइम में, इलेक्शन के टाइम में मुलाकात हुई, बीच में दो मरतबा अब नागपुर में 10 साल ये रहा, क्या बोलते पुनेकर जी कारपोरेटर रहा, समझे, कुछ काम किया। बाकी बंटी का तो अभी कुछ फीला नहीं, वो कोई आया नहीं, कुछ किया नहीं। यहाँ जो है काम करने वाला आदमी होना, सभी आ रहे जा रहे, सभी आ रहे जा रहे, बंटी शिड़के भी आए हैं, लावारिस जीतने के बाद लावारिस नहीं, लावारिस तो कोई भी नहीं आया, ना विकास बंटी शिड़के आया, ना का को अपना अपना विकास कुमार आया, बंटी शिड़के यहाँ कोई आमदार रही नहीं ना, आमदार फिर नहीं रहे ना, वो तो काम करेंगे तो थे। समाज के जो लोग हैं जितने परेशान हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं रहता है। लीडर तो चाहे कोई भी हो भाई, काम जो अच्छा करे, समाज के लिए सेवा करे, तो उसके लिए हम समर्थन करने के लिए तैयार है। इनका भी आ रहा है तो भाई उसी को बोलते हैं कि हम समर्थन कर देंगे जो हमारा काम करेगा। और हमारे जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी चाहते भाई अब इसको बुलाओ या उसको बुलाओ, तो टाइम पे तो हाउ तो बोल देते हैं, और जब कोई मुश्किल काम आता तो पीछे हट जाते हैं, तो भरोसा करें तो किस पे करें। बाहरों में मेंढक सदा टटराए, इलेक्शन हुआ तो फिर से मिलने आए। मध्य नागपुर में 10 साल ये रहा, क्या बोलते पुनेकर जी कारपोरेटर रहा, समझे, कुछ काम किया। बाकी बंटी का तो अभी कुछ फीला नहीं, वो कोई आया नहीं, कुछ किया नहीं। यहाँ जो है काम करने वाला आदमी होना, जो आदमी काम करता है, जैसे इसको जो है लोगों ने खड़ा किया, सावजी वगैरह ने सबने चॉइस किया, इसको बंटी को तो कोई ने चॉइस ही नहीं किया ना, ये अपने मर्जी से खड़ा हो गया। नहीं, कोई सक्षम नहीं है, जो आदमी बीच से गायब हो जाए, जैसे आपने 2 लाइन लिखे, 3री लाइन गायब है, 4थी 5वीं लाइन में, फिर लास्ट में आ गया रिजल्ट के टाइम पे, तो ऐसा आदमी कोई काम का रहा क्या? 2 दिन स्कूल आया, बाकी एग्जाम के टाइम पे फेल हो गया। काम वाला आदमी होना, रेगुलर आदमी होना जो काम करे, जैसा पुनेकर जी ने किया, 10 साल रहा, इनके समाज वालों ने इनको खुद से खड़ा किया, तो ऐसे खड़े करना चाहिए ना। तो क्या बंटी चॉइस का आदमी है वही खड़ा होगा ना। आपके हिसाब से कौन आपके मध्य नागपुर में आमदार बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो बंटी सिंह का कोई वो नहीं है, वजूद ही नहीं है। उसने कोई कर पहले काम किया ना, अब किया, और पुनेकर जी ने जो है 10 साल काम किया, लोगों ने उसको खड़ा किया, चॉइस किया, और आज भी लोग उसको लोग चाहते हैं, उसके चाहते हैं उसको लोग कि भाई ये खड़ा हो जाए। और अगर ये मुस्लिम समाज और साहु जी का हमेशा से इनका हमारा सहयोग रहा है, दोनों बुनकर रहे हैं, अगर अभी भी उसको थोड़ा सहयोग कर देंगे, वो काम का आदमी है, वो उनसे काम निकालो, काम करने को एनी टाइम तैयार है वो। मध्य नागपुर में अभी तक कितने विकास के मामले में बंटी शेड़के आगे आया है, क्या जनता के बीच में आके इन्होंने कोई विकास किया है? नहीं, हमारे एरिया में तो वो आया भी नहीं, कभी आया नहीं वो। वो मोहनपुरा चौक से उधर आता है, थोड़ा चमकाता है और निकल जाता है वो।
अभी भी वो याल है, उसकी एक दो रैली आई गई, निकल गया वो। तो क्या आप, ये पुणे गर्जी का ऐसा है कि ये कभी भी कुछ भी कोई भी काम रहा ये फौरी दौर से आता है और आना चाहिए। ये आमदार का यही काम है ना भाई, जैसा कोई शिकायत लेके आया उसका काम है यहाँ पे आना, बिल्कुल आना, उसकी शिकायत सुनना, भले काम आगे पीछे ये सवेर भी होएगा, मगर आना जो है ये जरूरी है, आना जरूरी, मिलना जरूरी। जैसे भी देखा जाए कि मध्य नागपुर में अभी भी मैं इस वक्त मौजूद हूँ, देखिए काफी गंदगी, काफी तरीके से विकास अभी तक नहीं हुआ है। विकास के मामले में देखा जाए तो पूरा मध्य नागपुर बहुत जरी से पीछे, बहुत ही गंदा है, सही है। तो आपको क्या लगता है कि अभी आमदार कौन आना चाहिए, किससे आमदार चुन के आना चाहिए जो आपकी गतिविधियों को, जो आपके कार्य को पूरा कर सके? रमेश जी पुणे कर जी अगर आ गया, समझे क्या, तो ये अपने को भरोसा है कि अपना आदमी है, ये काम करेगा, और इसने पुराने लोगों का काम किया है, लोग बताते हैं सब, जो काम करेगा लोग उसी का बताएंगे, जो नहीं करेगा उसका क्या बताएंगे। नहीं नहीं, कोई काम कार्य के लायक वायक नहीं है वो, बस वो तो आता है, चमकाता है, चले जाता है, समझे क्या, मौसम ही मेंढक है, आया आया नहीं आया, समझे क्या, सही बोल रहे हैं। आदमी वो होना चाहिए जो हमेशा हर एक के काम आए, नहीं आए तो उनके आदमी भेजना चाहिए, उन्होंने काम करना चाहिए। अभी तक आपके मध्य नागपुर में कितने बार बंटी चल के आए हैं? अच्छा, एक रैली में आया था, एक राउंड वैसा लगाया, दो राउंड में काम हो गया उसका। कितना समर्थन देने वाले आप बंटी शेल्के का? कोई समर्थन नहीं दे रहा है, यहाँ बस ऐसे ही है, जैसा वो हवा हवा पे चल रहा है, लोग भी उसको हवा दे रहे हैं, समझे, हवा पे आए हवा पे चले जाएंगे, समझे, इलेक्शन हो जाएगा तो फिर बह जाएगा पानी। बट लोग तुमको काफी समर्थन करते, कहते हैं कि काफी कार्य कर चुके, काफी लोग कहते हैं, तो उपरी दिल से कह रहे हैं ना, दिल से नहीं कह रहे ना, दिल से तो पुणेकर जी को बोल रहे हैं कि हाँ ये आदमी अपने काम का है और काम करेंगे। जनता को संदेश यही है कि जो काम का आदमी है उसको देख के काम करो, और उसको देख के नहीं तो 5 साल भुगतना पड़ेगा। अभी 1,500-200 अगर किसी ने खा लिया, बुझा लिया, ले लिया, जैसा कि अभी बीजेपी ने दिया, कुछ पैसे दिया, उसके भरोसे पे लाडली बहन का इसका उसका, और उसके बाद में बोला मतलब हमको वोट दो, ठीक है, ये चॉकलेट दे के जो है इसका भेजा निकालने वाला काम है, सही बोल। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए ना आपके हिसाब से, भाई किसी काम के लिए तुम आए हो, जिस काम के वो काम करो, मेरा मतलब ये है कि लेना और देना ये तो बेमतलब चॉकलेट वाली बाजी है, ये आईना दिखा के आईने के अंदर में लड्डू रखने वाली बात है, वो रखा है लड्डू, हम जैसा छोटे बच्चे को समझाते, वो रखा है लड्डू तो ये पढ़ लेगा तो वो इनाम देंगे, ये ऐसा है, तो ऐसे से कोई फायदा होने वाला नहीं। अभी रेट तो हर सामान के कितने रेट बढ़ गए, समझे, एक हाथ से दे रहा दूसरे हाथ से ले ले रहा है, काम ऐसा नहीं होना चाहिए। कौम के अगर तुम रहनुमा बनते हो, कौम के सेवक बनने के नाम से आते हो, तो सेवक करो, हर चीज की उसकी सहूलियत करोगे तुम्हारा काम बनेगा। बंटी शेल्के ने अभी तक मुस्लिम समुदाय को मध्य नागपुर में कितना समर्थन दिया और उनके कौन से कार्य किया है कि जिससे मध्य नागपुर में तो कोई कार्य नहीं है, समझे क्या, कोई कार्य नहीं है, बस राउंड मारने से कार्य नहीं होता कभी इधर में, ज्यादातर के मतलब यहाँ पे चिल्ला पुकार करने से, रैली निकालने से इससे कुछ नहीं होता, जो काम का आदमी काम करना ऐसे ही होना चाहिए। जैसे अभी इधर 2 मरतबा चुन के आया पुणे कर, उसने काम करा, दिख रहा है उसका काम, लोग चॉइस कर रहे हैं, लोग चॉइस कर रहे हैं, लोग चॉइस करके उनके समाज वाले ने पूरा उनको खड़े किया है, आजाद खड़े हो जाओ, आजाद टिकट नहीं मिली, चलो एक रसीद की बात है, टिकट नहीं मिली, टिकट के लिए कोशिश कर रहा, टिकट नहीं मिली, तो लोगों ने उनके समाज वाले ने उनका दान देख के उनको खड़े किया है, खड़े किया है, वो काम का बंदा है, वो काम कर काम करेगा, वो ऐसे हमारी मतलब उम्मीद है वो लीडर से, वो लीडर से ऐसी उम्मीद है कि वो अगर किस्मत से अगर तुम भी आ गए तो 5 साल काम करें। बाकी ये बंटी से तो कोई उम्मीद नहीं है, बंटी और फूल से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग आते नहीं, पहचानते नहीं, यहाँ पर आना पसंद नहीं करते, पहली बात तो ये एरिया में
आपका सीधा सा आरोप लगा है ये है कि बंटी शेल के मुसलमानों को लिए मुसलमानों को समर्थन नहीं देता। कभी नहीं आया था, अभी ये सीजन चल रहा है उसका, दो मरतबा रैली के टाइम उसकी रैली है तो उसको रहना जरूरी है, इसलिए वो रैली में आया खाली दो मरतबा। यही तो इधर से ऑफिस है ना, अब जाएंगे मल्टी का ऑफिस है, जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, इधर के लोग तो उसको पहचानते भी नहीं, वो चुनकी है कि जामुन की चुनकी, अब तो पहचानते भी नहीं उनको, कभी आया नहीं कभी गया नहीं। अरे जब तू सेवा कर रहा था 5 साल से क्या जगमारी कर रहा था, क्या आना था मिलना था, काम पूछना था, काम करना था, है ना। कोई भी आदमी जो है किसी भी काम का काम ढूंढता है, वो जाता है उनसे रिलेशन रखता है मिलता है, उसे मिलता ही नहीं है, पहचानते नहीं है, उनसे कभी मिला नहीं। अरे होने वाला था तो उसको 2-4 महीना पहले इधर एरिया में आना था ना, लोगों से संबंध रखना था ना, आप कोई तकलीफ है तुम्हारे को क्या बात है क्या नहीं, कुछ बातचीत कर रहा था, कुछ पूछना था, पूछने का बात करने का कोई पैसा लगता है मतलब आने पहले के वक्त में बंटी शेल के आपसे कभी उन्होंने आके कभी संबंध नहीं बनाया, कभी नहीं आया। अच्छा आपके नजरों में आप आमदार किसे चुनना पसंद करो? इसी को चुनना पसंद करो। कैसा आमदार होना चाहिए आपकी नजरों में? ऐसे आमदार होना चाहिए जो मतलब लोगों की समस्या को समझ सके और काम कर सके, मेन मेन चीज है। हम उनको चुन के ला रहे हैं, समस्या को समझने का काम ही आमदार है, है कि नहीं। जिस सेवा के लिए तू खड़ा हुआ वो काम कर तो तू सेवक है, जब तू सेवा कर ही नहीं रहा, मौज कर रहा है उधर, कोई फायदा नहीं ना। सेवक बनो पहले, कुछ काम दिखाओ अपना, कुछ फनकार हो तो फनकारी बताओ, रे ढंगा आदमी रहेगा तो क्या फायदा है। पब्लिक को बेवकूफ बनाना और लोगों से वोट ले लेना और बाद में बैठ के मौज करना, ये कोई तरीका नहीं हुआ। ये तो बहुत सारे लोग है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखता है नहीं। अगर हो तो विकास के नाम पे कुछ होना चाहिए, जो जरूरत है इंसान की आज वो जरूरत चीज मिलना चाहिए। अच्छा बंटी जी का तो ये इलाका है नहीं, वो काफी दूर पर रहते हैं हमारी, और मैं पर्सनली कोई मुलाकात नहीं है इस टाइम में, इलेक्शन के टाइम में मुलाकात हुई, बीच में एक आध दो मरतबा और गुजार हुई है मुलाकात, बाकी से ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। हम ये चाहते हैं कि अगर वो भी आते हैं, जिस पर आते हैं, तो वो भी अपना काम ईमानदारी से करे, जो आश्वासन वो दे रहे हैं लोगों को, और लोगों के अंदर में है ऐसा जगा हुआ है कि एहसास है कि आदमी कुछ कर सकता है, तो ऐसा करना चाहिए। आने वाले हम तो बोलते हैं कोई भी आए मैडम, कोई भी पार्टी का नुमाइंदा चुनकर आए, अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी के साथ वो अपनी नुमाइंदगी निभाना चाहिए सर, बात नहीं करना चाहिए। मैंने देखा जिस तरीके से मध्य नागपुर में विकास जीरो है, अभी तक यहाँ पे कोई विकास नहीं है, जिस तरीके से मैंने खुद अभी देखा है कि यहाँ पे रोडों पे पानी है, कीचड़ बहरा हुआ है, गटर नाले भरे हुए है। आपको नहीं लगता कि इसके पहले जो आमदार था और अभी जो आमदार आने वाला है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आके विकास करना चाहिए, यहाँ पे जनता नहीं रहती है? सबसे ज्यादा मैडम बड़ी बात यही चीज है कि यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि हमें साफ सफाई या विकास की हमको जरूरत ही नहीं है। हम जिस हाल में रह रहे हैं खुश रह रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत तकलीफ है, रोड की तकलीफ है, गंदगी है, कारोबार से लोग परेशान है, सड़कें सफाई नहीं, सड़कें नहीं बनी हुई है, नालों में बारिश के दिनों में इतना पानी भर जाता है, बहुत तकलीफ हो जाती है यहाँ पर, थोड़ा सब चीजें होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कोई आमदार आके देखता नहीं है या फिर कोई कारपोरेटर आता नहीं है? आते सब है, सबकी नजर में सब चीजें है, लेकिन पता नहीं कि उसको पूरे तरीके से अंजाम नहीं दिया। सबके नजर में सब आके देखते हैं, सब देख के चले जाते हैं। आपके नजर में आमदार कैसा होना चाहिए और जिस तरीके का किसे वोट देने वाले? मैडम हम तो ऐसा है कि हम ये चाहेंगे बस काम करने वाला बंदा अच्छा हो, ईमानदारी से अपना काम कर सके, बस ऐसा बंदा मिलना चाहिए, बाकी हम पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई भी पार्टी से ईमानदारी से काम होना, हम मोहब्बत का काम करने को, नफरत फैलाने वाला काम ना हो कोई भी चीज का। देखो बंटी सर भी हो, कोई ऐसी बात नहीं है, हमको मतलब काम वाला आदमी चाहिए, से काम करे कुछ। हम मुस्लिम समाज के जो लोग हैं इतने परेशान हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं रहता है। लीडर तो चाहे कोई भी हो भाई, काम जो अच्छा करे, समाज के लिए सेवा करे, तो उसके लिए हम समर्थन करने के लिए तैयार है, इनकार नहीं है इस बात का।
दूसरी बात, हमारे इतने बिरादर इतने मार परेशान है कि रोजी रोटी से बिल्कुल घर की परेशानी, बच्चे बाल बच्चे जितने भी है तमाम, इतनी एक एक को जाके कह रहे हैं कि भाई हमारा काम करो, हमारे धंधे पानी के लिए, रोजी रोटी के लिए कोई ऐसा लीडर चाहिए कि हमारा कोई काम आगे बढ़ा सके। तो हम तो नहीं जानते, जो भी आ रहा है तो भाई उसी को बोलते कि हम समर्थन कर देंगे जो हमारा काम करेगा। और हमारे जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी चाहते भाई अब इसको बुलाओ या उसको बुलाओ, तो टाइम पे तो हॉक तो बोल देते हैं और जब कोई मुश्किल काम आता तो पीछे हट जाते हैं। तो भरोसा करें तो किस पे करें, बात ऐसी आ जाती है। और जितने भी समाज के लोग हैं हमारे और हमारे जो बिरादर के लोग हैं, आज मार इतने परेशान हैं कि हद से ज़्यादा, आज मारे मारे घूम रहे, इस लीडर के पास घूम रहे, उस लीडर के पास घूम रहे कि भाई हमारी समाज इतनी परेशान है कि धंधे के लिए थोड़ा थोड़ा धंधा करते हैं, उसके लिए भी पुलिस इतनी परेशान करती है कि हद से ज़्यादा। तो अब कौन देखने वाला है? तो अभी बंटी जो लीडर आमदार आ रहे दौड़ के, तो अभी हम भी बोल रहे हैं कि भाई उसको समर्थन कर देते, चलो हमारी बिरादर को थोड़ा सपोर्ट करें, डर के मारे घर के चूल्हे ओल्हे हो गए, कोई बोलने वाला देखने वाला नहीं है। दूसरी बात, अब ये बैठ वाले क्या नाम है? पुणेकर। ये पुणेकर सर भी, खैर हम तो खैर उतना नहीं जानते, करते होंगे दौड़ते होंगे थोड़े थोड़े काम के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। काम किया साहु जी वगैरह का और अपने मुस्लिमों का थोड़ा गठजोड़ रहा ना, तो अपने संबंध में रहा वो बापू, जिसको जानते जिसका काम देंगे उसको ही बुलाएंगे ना, तुम भी कोई कारीगर देखोगे उसको आवाज दोगे ना, ऐरो गैरों को काय को बुलाऊंगे, काम का आदमी होना चाहिए, काम करे यही हम चाहते, बाकी किसी से कोई वो नहीं है, लीडर कोई भी आए बंटी सिर के खाए पिए और सर के ऐसे हिसाब है ना, समझे? ये खाने पीने गुजारने के हिसाब से है, ये पीना खाना ये वो करना, घूम धूम मचाना, लौंडों को लेके घूमना, ये ऐसा आता है इधर वो राउंड पे, कोई कार्यक्रम के लिए नहीं आता कि भाई कोई जरूरत है हॉस्पिटल में है और कोई जरूरत है उसके लिए नहीं आता ना, काम के लिए आओ। नहीं देखो, अगर लीडर कोई भी हो, खैर नया है अभी वो भी है, हम भी उसकी जानकारी तो नहीं है उनके बारे में, बहरहाल हम चाहते हैं कि भाई हम भी हौसला बढ़ाएं और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चले कि भाई आपका हम जैसे हम समर्थन कर रहे हैं तो हम भी आपका सपोर्ट करते हैं, करके हम भी चाहते हैं हमारी भी खुशहाली आए, भाई हम क्यों परेशान है, क्यों देखे के पास जा रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रोजी रोटी के लिए ही परेशान है, कोई किसी से दौलत नहीं मांग रहा है, भैया आपसे काम होता है आपकी सुनवाई हो जाती है तो चलो हमारे लिए काम कर दो, चलो हमारी कोई रोजी रोटी ऐसा लगा दो या कि उसमें कोई भाषा ऐसा कोई आड़ा ना आए कि जो तकलीफ बन जाए कि भाई हम भी बाल बच्चे लेके बैठे, कोई किसी से दौलत नहीं मांग रहे, हम मेहनत करेंगे जो भी कर रहे हैं काम कारोबार, तो थोड़ा अच्छे से हो जाए, ढंग से हो जाए। अब उसमें क्या है, पुलिस आके अड़ा है, कुछ काम ऐसे है, कई कामों से दूर हो गया आदमी, घर की रोजी रोटी जो भी छोटा मोटा काम करते थे वो भी खत्म हो गया, घर के चूल्हे औंधे हो गए। सर मेरा ये सवाल है आपसे, कुरैशी समाज के लिए काफी लोगों ने समझा कि बड्डी शेल के आपके पास में 5 सालों में कि आपके पास में आके मिलकर उन्होंने कभी आपकी समस्या को सुलझाने का कार्य किया है या आपसे मिले कभी इस टॉपिक पर उन्होंने चर्चा किया है? इतना तो नहीं है, बस अभी अभी दिखे सामने, अभी अभी आए तो अभी पहचाने, जब सीधा पहचानते तो पहचानते, बोलो सही पहचानते, पिछले 5 सालों में आए थे, वो पिछले 5 साल में आए थे और मिलाए थे, बोले थे ऐसा कुछ कि हम कुछ करेंगे आपके लिए, दौड़ेंगे कोशिश करेंगे, तो जब से तो खैर फिर आए नहीं और अब आए तो फिर बोले आएंगे चुनके तो कुछ कोशिश करेंगे करके, इस तरीके की बात। आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ वो आने के लिए सिर्फ आपको एक चूरन बाजी दे रहे हैं, बाहरों में बेढक सदा टटराए, इलेक्शन हुआ तो फिर से मिलने आए, ऐसा माहौल है, खेल बोल दिए तो है ना, ऐसा ही है ना, नहीं लेना कोई भी लीडर हो थोड़ा बहुत ख्याल दे देना, रोजी रोटी जो है मतलब मिलना चाहिए सबको, जरूरी नहीं है कि भाई हम ये बोल रहे कि हमारे लिए बहुत ऐसा कर दो सबसे, नहीं खुशहाली चाहिए बस, और क्या मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, जो हम लोग गरीब तबके के लोग हैं और जो रोजी रोटी से खत्म हो गए बिल्कुल, जरा उनका हाल देखो, उनके चूल्हे उन्हें पड़े हुए, उनके बच्चे रो रहे थारो आंसू, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, देख रहे चले जा रहे पलट के, जरा उस घर का हाल देखो जरा क्या है, एक तरफ तो कह दे रहे हैं कि भाई हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं पैसा दे रहे सब दे रहे ठीक है, एक तरफ हम रोजी लेके बैठे हैं, हम पूरे सी बिरादरी के लोग,
आज उनके चूल्हे पूरे औंधे हो गए, आज कितना कितना लोग एक एक घर में, जरा उनके घर की हालत देखो, खाने से भी मसल नहीं है, कि ये समझ लो कि पैसे पैसे को तंग हो गए। अब उनका काम तो पूरी बिरादरी का यही था और दूसरा काम तो था नहीं, तो अब सोचे कि कोई मसीहा बन जाए ऐसा, तो उसके लिए हम समर्थन भी करने के लिए तैयार है। हम देखो कर तो रहे, विश्वास तो कर रहे हैं कि भाई हो सकता है खड़े उतर जाए, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्या मांग रहे सिर्फ हमारा सपोर्ट करने के लिए। आपने जैसे एक बात कही थी कि काफी टाइम पहले वो आपसे उन्होंने कहा कि हम पहले तो आए थे, वो एक बार 5 सालों के बाद में कि उन्होंने कभी बीच में आपसे मुलाकात की या आपकी समस्याओं को सुलझाने को नहीं हुई है, बस वो इलेक्शन पीरियड में आते हैं, उसके बाद क्या है धार में बैठ जाते हैं, समझे क्या, जब तक मौसम रहता बस जब ही मिलते है, समझे क्या, बाकी के सब छिलके वगैरह में थोड़ा बहुत हाथे बोलना ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत दौड़ भाग करे अपने इधर नहीं हुए ज्यादा, तो कुछ उसमें समर्थन रहा उनका, कोविड में अस्पतालों में थोड़ा बहुत दौड़ भाग करे दिखे थोड़ा बहुत, वैसे तो आते जाते मिलते रहते हैं, और बाकी का जो अभी जो सिटिंग MLA थे वो कभी अब इधर झांकने नहीं आए, वो सिर्फ वो पैसे के चक्कर में और जिनको जो उनके साथ में थे उनके इधर सबसे ज्यादा आते जाते, कोई काम नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ लावारिस जैसे वार्ड को सब कुछ हो रही है, पूरे लावारिस। तो मदन आकुर से बंटी शेल के बाबा खड़े हुए, क्या आपके यहाँ पे एक भी आके बार उन्होंने आपका हालचाल नहीं पूछा या आपके यहाँ पे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया? अभी इलेक्शन दौर में आए सभी आ रहे जा रहे, सभी आ रहे जा रहे, बंटी शेड़के भी आए विकास के बाद लावारिस मजबूत, हाँ जीतने के बाद लावारिस नहीं छोड़ा, और जबान को आदमी अपनी संभाल के बात करे जो भी करे, जबान इतनी गंदी इस्तेमाल करे, इतनी गंदी इस्तेमाल करे मुसलमानों के बारे में, ये सब सबसे मेन मुद्दा ये हमारे हर पूरे हिंदुस्तान में। मेरा नाम अब्दुल गनी, मेरा नाम अब्दुल गनी कुरैशी, मक्का नागपुर, मोमिनपुरा नागपुर से हूँ मैं, और आमदार ऐसा हो कि जो सबकी सुने और सबको लेके चले और सबके लिए आगे बढ़े, ऐसा जो भी आमदार रहेगा हमारी नज़र में हम उसको वोटिंग करेंगे। अब रहा सवाल हमारे कुरैशी समाज का जो मैटर है, आज ये पोजीशन पे आ गए, अगर हमारी बिरादरी की अगर पूरे समाज की कोई अगर किडनी अगर लेता है तो हम उसको बेचने के लिए तैयार है, हमारे पास में पैसा नहीं है कारोबार के लिए, हमारे को इतना परेशान और हमारे को इतना हलेकान करा गया, मजबूर हो गए, कैसा हम अपना घर चला रहे कैसा नहीं चला रहे, तो हम हमारी हालत इस कदर की बिगड़ी हुई है कि हम सुबह खाते हैं तो शाम को सोते हैं वैसे सो जाते भूखे, और हम अब इतने मजबूर हो गए, अगर कोई भी संस्था और कोई भी अगर लेना चाहे पूरे बिरादरी की तो किडनी ले सकती है, हम किडनी बेचने के लिए पूरा समाज तैयार है। जैसे देखा जाए कि 5 सालों में क्या पूर्णेकर जी या बंटी बाबा शेरके क्या आपके दरवाजे पे आके कभी इन्होंने आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम नहीं किया है? नहीं नहीं, वो तो क्या है कि वो उनके पोजीशन ही नहीं थी तो क्या करेंगे, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है बंटी झोले के, और इनके हाथ में कोई पावर नहीं था, जो पावर वाला था वो अपने घर में बैठे रहता था, उनके घर को जाओ हाओ 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 करते, समस्या का कोई हल नहीं है और कोई किसी का समाधान करता नहीं और कोई किसी की बात सुनता नहीं, सब अपने अपनी मर्जी के, सब अपना कमा और अपना खाओ, और हमारी हालत इस कदर की बिगड़ी आ रहा हूँ बोल रहा हूँ मैं आपको, हम किडनी बेचने पे मजबूर है, हमारा पूरा समाज किडनी बेचने के लिए तैयार है। सर 20 तारीख को यहाँ पे मतदान होने वाला है, मतदान से मदन नागपुर से बंटी शेड़के और पुणेकर जी समर्थन दिए उन्होंने, तो क्या आप किसे चुन के लाने वाले हैं विकास के मामले में? देखा जाए तो आप तो ये चाहेंगे यहाँ पे जो भी है तो अच्छा करे, यहाँ पे हम जब से बचपना चलेगा हमारा यहाँ पर ऐसा कोई विकास नहीं आया, सिर्फ एक ही आदमी था वो था जलील चौधरी, जिसने यहाँ पर पानी लाके दिया, सड़कें बनाया, गंदगी को साफ किया, ऐसा कोई हमारे को जाके हमारी तकलीफ को पूछे या कुछ बातचीत करे, जब भी किसी के पास जाना पड़ा तो हमें ही तो जाना पड़ा और वहाँ भी जाके हमको तकलीफ में रहना पड़ा। क्या पंडित जी 5 सालों में कभी उन्होंने ये मदन आकुर में आगे झाँका नहीं? वो तो आए जरूर है यहाँ पर, जैसा कि जैसा जो उनके खास खास लोगों से उनसे मुलाकात करे, किसी ने अपनी तकलीफ खास मतलब क्या वो VIP है, कारण तो वही होगा ना,
तो वो खास खास लोगों के पास गए, जैसे उनके दोस्त भाई जो उनके कार्यकर्ता थे, ऐसे आम आदमियों के पास बस आए, सलाम करे और हाथ मिलाए चले गए। उनकी तकलीफ को कोई क्या तकलीफ है ये पूछना चाहिए। आज हम यहाँ पर वार्ड में देख लो कि पूरा यहाँ से वार्ड में दूसरा कचरा पड़े रहता, कोई आता नहीं जाते। और यहाँ पर अभी तो बोलते कि कॉरपोरेशन वालों ने वो बना दिए कि फ़ोन करो तो आदमी आएंगे। मैंने सुना है कि ये एरिया को काफी पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, यहाँ पे काफी डिफॉल्टेड ऐसे लोगों का कहना है। ये लोगों की सोच है, ना बंटी सीट के आया ना का को अपना अपना विकास कुमार आया, कामदार पे नहीं रहे ना, वो तो काम करेंगे तो थे नहीं, वो आमदार बनिए जब आएंगे ना, वो बनेंगे तो काम करेंगे ना, दिखेगा यहाँ पे जब काम करेंगे ना, उनको लाइन ही चुन के तो कहाँ से आएंगे, कहाँ से काम होगा। जो बीजेपी वाले नेता थे वो एक भी नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि आपके नजरों में क्या वो सक्षम है यहाँ पे काम आमदार के लिए? तो आमदार आएगा जाए वो चेक करेंगे, पता चलेगा ना। तो नहीं पूरा नहीं आया है सब, हाँ 15 साल पूरा नहीं आया हमारे, जो यहाँ के जो आमदार रह चुके हैं उनको तो नहीं देखे अभी आज तक, उनकी सूरत देखने में नहीं आई हमारे को। विकास कुमारी जी वो भी जब भी जाओ तो छोटे मोटे काम में वहाँ आके बोलो तो वो कर देते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं कभी लोगों के बीच में आके बैठे मिले जुले हो यहाँ पर। पिछड़ा वर्ग दे दिया, पिछड़ा बोल तो नहीं सकते, जैसे कि यहाँ पर है कारपोरेटर भी है, थोड़ी बहुत जो काम करते हैं वो अपने ऊपर ऊपरी करते हैं, या कारपोरेशन की मदद नहीं मिलती है बोले। पिछड़ा वर्ग नहीं बोले थे मैडम, यहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, कारोबार करते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब कुछ है, लेकिन हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोग इतना समझ रहे हैं है कि नहीं। तो 20 तारीख को मतदान है तो आप किसको समर्थन देने वाले हैं? समर्थन तो जो यहाँ आएगा जो विकास करेगा, पब्लिक का विचार तो यही धारा है। हमने तो 3 साल 15 साल पर विकास कुमारी को देख ही लिए, अब 5 साल इनको भी देख के देख लेते हैं बंटी चीर को। कोई जनता को आप ही कोई संदेश? हम ये चाहेंगे कि हमारे वार्ड में हमारे मध्य में अपना विकास अच्छा हो, सब की देख रेख को होनी चाहिए, ये भेदभाव होना नहीं चाहिए कभी, ना हिंदू चाहता है मुसलमान के बारे में, ना मुसलमान चाहता है हिंदू के बारे में, ये आपस में रहते मिलजुल के, लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग होते हुए जो आपस में लड़ा के हिंदू मुस्लिम को वो करते हैं, भेदभाव करते हैं।